रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में बुधवार को एपेक्स स्कूल में 3 साल की बच्ची का पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के एपेक्स स्कूल में एक 3 वर्षीय बच्ची जो कि स्कूल गई थी, परिजनों द्वारा बच्ची को स्कूल की कस्टडी में दिया गया था। उसके बाद परिजनों को बताया गया कि बच्ची को चोट लग गई है, उसको अस्पताल में ट्रीट किया जा रहा है। शाम के समय में बच्ची का शव पेरेंट्स को लाकर दिया गया। उस शव को पेरेंट्स ने नदी में प्रवाहित कर इसकी सूचना बच्ची के अभिभावकों द्वारा पुलिस को दिया गया था, जिसमें सीओ कैंट द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। वहां से अगर आएगा पूरा आ जाएगा, स्कूल में आएगा ना। बताइए बताइए, दबा रहे थे, उल्टा करके दबा रहे थे। तो हम लोग एंट्री जैसे ही अंदर गए ऐसे देखे तो वो लड़की डेथ कर चुकी थी। इनसे बात हुई, ये कहने लगे कि वो पानी में गिर गई थी, हम गुड्डा समझे इसको, और उसके बाद यहाँ भेजे तो मैंने लड़की उस समय डेथ कर चुकी थी। हाँ, काफी देर से वो भीगी हुई थी पूरी। यही सब मामला है, इसमें तो लापरवाही यही है। जब बगल में पानी है तो उस चीजों को, जहाँ वो गेट है, जहाँ वो गेट है उस गेट को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। इसमें तो स्कूल प्रबंधन की पूरी लापरवाही है। अब भाई जो उचित हो, न्यायचित हो तो होना ही चाहिए, इन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। किसी पे कोई घटना है दोबारा इस तरह का कोई चीज़ दोहराया ना जाए। अब FIR हो चुका है लगभग, इसमें तो इसको तो सील होना ही चाहिए। गोरखपुर में थाना रामगढ़ताल अंतर्गत एपेक्स स्कूल पड़ता है। कल सूचना मिली कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो कि स्कूल गई थी, परिजनों ने उसको स्कूल की कस्टडी में दिया था, एवं उसके बाद में परिजनों द्वारा बताया गया कि बच्ची को चोट लग गई है एवं उसको अस्पताल में ट्रीट किया जा रहा है। शाम के समय में बच्ची का शव उन्होंने उसके पेरेंट्स के घर लाके दिया। पेरेंट्स ने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसकी सूचना उनके अभिभावकों द्वारा थाना रामगढ़ताल पर दी गई है। सीओ कैंट इसमें जाँच कर रहे हैं एवं जाँच उपरांत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।